लाइफ में आप लोग एक बात हमेशा ध्यान रखना, विपरीत परिस्थिति में कभी भी धैर्य मत खोना। हो कभी भी आपके साथ कुछ ऐसा घटित हो, आपके साथ कुछ संकट आए, कुछ परिस्थितियां आपके अनुकूल नहीं हो, कुछ काम आप चाहकर भी नहीं हो रहे हो, तो भगवान के ऊपर छोड़ देना और मेहनत करते रहना। हो सकता है कि आपके लिए और अच्छा लिखा हो। ऐसे ही एक डिफरेंट इंटरेस्टिंग स्टोरी, मोटिवेशनल स्टोरी मैं आपको बताऊंगा। नाथानियल होथोर्न इंग्लिश के महान उपन्यासकार हुए। उन्होंने एक प्रसिद्ध उपन्यास लिखा, द स्कारलेट लेटर। पता है उपन्यास लिखने के पीछे स्टोरी क्या है, कैसे लिखा? बहुत ही बढ़िया स्टोरी है, अभी मैं आपको बता दूं। नाथानियल होथोर्न एक अच्छी कंपनी में जॉब कर रहे होते, परिवार अच्छा चल रहा होता, अच्छी सैलरी आ रही होती है, सब कुछ बढ़िया चल रहा होता। अचानक एक दिन उनको कंपनी का लेटर मिलता है और उनको कहा जाता है कि आपको जॉब से निकाला जाता बिना कारण से। नाथानियल बहुत ही हताश, उदास, निराश हो जाते हैं कि अब क्या करें। वो घर पर जाते हैं और अपनी पत्नी को वो लेटर देते हैं। पत्नी को कहते हैं कि मुझे जॉब से निकाल दिया गया, सब कुछ अच्छा चल रहा होता। और पत्नी भी सडन ये सुनती है तो एक बार निराश होती है, लेकिन अपने पति को कहती है कि नाकामयाबी के दौर में धैर्य से काम करते रहना और मेहनत से काम करते रहना। हो सकता है कि भगवान ने आपके लिए कुछ अच्छा सोचा हो। फिर नाथानियल अपनी पत्नी को कहते हैं कि तुम कैसी बात कर रहे हो, मुझे जॉब से निकाल दिया गया है, अच्छी खासी अपनी जॉब चली गई है, अब अपन क्या करेंगे? तो पत्नी कहती है कि भगवान एक रास्ता बंद करते हैं तो दूसरा रास्ता पहले ही खोल देते हैं। हो सकता है कि भगवान ने आपके लिए कुछ अच्छा सोच रखा हो, कुछ इस जॉब से बेटर सोच रखा हो। तो नाथानियल की पत्नी कहती है उनको कि आप लिखते बहुत अच्छा हो, आप लेखन चालू कर दो। अब पहले आपको जॉब करते थे, आपको समय नहीं मिल पा रहा था, तो अब आप वापस लिखना चालू कर दो। तो नाथानियल कहते हैं कि मैं लिख तो दूंगा, लेकिन घर का खर्च कैसे चलेगा? तो उनकी पत्नी कहती कि थोड़े दिनों के लिए मैं अपने घर का खर्च चला दूंगी। नाथानियल लिखना शुरू कर देते हैं, 2 साल तक कंसिस्टेंसी के साथ में लिखते हैं, धैर्य के साथ में लिखते और मेहनत के साथ में लिखते हैं। और 2 साल बाद उनकी मेहनत रंग लाती है, द स्कारलेट लेटर उपन्यास लिखते हैं और विश्व का प्रसिद्ध उपन्यास बनता है। और इसके बाद वो और भी कई उपन्यास लिखते हैं और विश्व के महान लेखक बनते हैं इंग्लिश में। जब उनके जीवन में संकट आया, मुश्किल आई, पर वो उन्होंने धैर्य नहीं खोया, मेहनत से कार्य करते रहे, लगन से कार्य करते रहे और धैर्य से काम करते रहे, और रिजल्ट आप सबके सामने। तो बस आप भी एक बात ध्यान रखना यार, जब भी जीवन में कोई मुश्किल आए, जब भी कोई बड़ी आपके लाइफ में विपदा आए, तो बस यार धैर्य मत खोना, सब कुछ कर लेना, हिम्मत मत हारना। अगर उस कठिन परिस्थिति में आप हिम्मत हार गए ना, तो समझ लेना आप लोग जिंदगी की जंग हार गए। परिस्थिति चाहे कितनी ही आपके विपरीत क्यों ना हो, धैर्य मत खोना और हौसला रखना, आप कहीं नहीं रुकोगे।